starts in 3, 2, 1. Hey guys, welcome back to another gameplay video. आज हम खेलने वाले हैं Minecraft और अभी हम Minecraft में नए हैं तो मुझे इतना नहीं पता और बस मेरे को एक बोटल फ्लोचेंटिक मिली थी जो कि इस चेस्ट में नहीं है और ये सैंड बार ओके वो इस चेस्ट में है। ये है बोटल ऑफ इंचेंटिंग, पता नहीं इसका क्या यूज है, इसको मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बताना और ये मुझे कहाँ से नहीं। पहले तो सो जाते हैं और ये मुझे कहाँ से मिल रही है हम बताएंगे सुबह आपको। और सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग एंड अब चलते हैं। ओके तो गेट बंद कर देते हैं और टावर दिखाने से पहले सबसे पहले हम आपको अपना प्यारा सा होम स्वीट होम दिखाने वाले हैं तो चलो वो दिखा देते हैं 3, 2, 1। तो ये देखो हमारा होम स्वीट होम, तो अब चलते हैं हम आपको टावर दिखाने। टावर का क्या सिस्टम है मैंने सोचा पहले हम नीचे से चलते हैं, वो ब्रिज दिख रहा है तो नीचे से तो जा नहीं सकते बिकॉज ये सैंड है। अब ऊपर से जाना मुझे अब क्या बैठना ही नहीं आता, मैं इतना तो बना लेकिन 10 बार गिर गया उसके अंदर और उस टावर का ऊपर वाला माला मैंने मतलब पूरा खाली कर दिया, उसको पिलेजर आउटपोस्ट कहते हैं शायद। एंड मैंने ना उसका ऊपर का पूरा साफ कर दिया, मैंने करा के डायरेक्ट हम बस भग लिए और जाके देखा नहीं कौन तीन मारा, अब ये लोग ऊपर तो आ नहीं सकते और मैंने ले ली सब और फिर नीचे कूद गए। नीचे उधर की साइड के पानी है इसलिए, और आप कमेंट में जरूर बताना बैठते कैसे हैं प्लीज। तो अब हम अंदर चलते हैं और मुझे करना क्या है आज की इस वाली वीडियो में, मैंने वीडियो इसलिए बनाई है आज की कि आज के लिए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विलेज, विलेज में जाकर प्रोग्रेस करने वाले हम प्रोग्रेस करेंगे आगे विलेज में जाके, मतलब फार्म वार्म अच्छे से बना लेंगे और मुझे पूरा घर शिफ्ट करना है तो उसके लिए मुझे बहुत सारी पिकैक्स लगने वाली है जो कि मैंने इस चेस्ट में देखी थी शायद, नहीं इस चेस्ट में, उस चेस्ट में 3 पिकैक्स है मेरे पास वुड की स्टोन की। ओके वुड की ले लेते, नहीं वुड की नहीं स्टोन की लेंगे जो कि ज़्यादा चलेगी और अच्छे से काम हो जाएगा। ओके आने की आ गई वो अटक रही थी वहाँ पे, ठीक है तो हम इसमें एक बार और चेक कर लेते हैं क्या पता दिखना हो। ओके इसमें बिल्कुल भी नहीं, तो अब हम चलते हैं बाहर। सबसे पहले हम तोड़ेंगे गेट बिकॉज अगर गेट नहीं आओ ना ज़ॉम्बी ऐसे आएंगे ना, तोड़ लेते हैं फटाफट से। ओके तो देखो सैंड कैसे फॉल हो गई, मतलब हम टनल बना के जा ही नहीं सकते। अब तोड़ लेते हैं सीढ़ियाँ। ओके अब फिर हमें पूरा घर तोड़ना, चलो तोड़ते हैं। लास्ट ब्लॉक है मेरा। ओके तो मैंने क्या है बस ये अकेली इकलौती चेस्ट छोड़ी है, निशानी के लिए नहीं छोड़ी है, इसमें क्या मेरी पूरी इन्वेंट्री फुल हो गई थी जो कि आपने देखा होगा वीडियो में, तो मैंने बस इसमें खाली करी, बाद में हम आके ले जाएंगे। तो मैंने सोचा इस विलेज वाली यात्रा को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए और हम आपको बताते हैं कि हमने माइनक्राफ्ट की सीरीज कैसे स्टार्ट करी। सबसे पहले हमने एक न्यू वर्ल्ड जनरेट किया और वो पिरामिड का काम क्या है उस वो भी बताना मेरे को, मतलब कुछ भी नहीं पता इसके अंदर गेम के अंदर इस समय बिकॉज
मैं इस गेम में नया आया हूँ और चलो स्टार्ट करते हैं। हुआ कुछ ऐसा, मैंने न्यू वर्ल्ड जनरेट किया और पहले वो डॉट वाला आया जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मेरे को पता नहीं था। तो मैंने सेकंड वर्ल्ड जनरेट किया तो ये सैंड वाला आया, तो डॉट वाले वर्ल्ड को उस समय मैंने डिलीट कर दिया था। तो अब मैं क्या, ये जो दिख रहा है ना आपको घास फूस से उभरे घास, ये ब्राउन कलर के, इसको मैंने तोड़ा, मुझे मिली स्टिक। लेकिन मैंने सिर्फ चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, तो हुआ क्या, मेरे को चलते चलते एक, मुझे अब यहाँ पे वुड तो मिलेगी नहीं, तो क्राफ्टिंग का मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब वुड से ही तो क्राफ्टिंग टेबल बनती है, तो यहाँ पे पेड़ तो है नहीं एक भी, और मुझे स्पॉन कर दिया बिल्कुल बिल्कुल सैंड वाली जगह पे। और फिर मुझे मिला विच का घर जो कि ट्री हाउस जैसा था, तो मुझे उसके घर से कुछ चेस्ट नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, चेस्ट भी मैंने खुद क्राफ्ट करी कहीं से जुगाड़ करके। तो हम बहुत दूर गए थे, वो देखो वो सामने पेड़ देख रहे हैं, मैंने यहीं पे आए थे हम पेड़ माइन करने, अब मुझे वो विलेज दिख गया इसीलिए। और अब क्या हुआ, मेरे को विच का घर मिला, मैंने उसके घर को पूरा तोड़ दिया और वहाँ से वुड कलेक्ट करी, मतलब कहाँ कहाँ से वुड को मैंने इकट्ठा किया। तो मैंने क्या किया, फिर विच का घर मिला वहाँ से उसको तोड़ फोड़ करी, विच ने बहुत मेरे पे पोशंस फेंके, हम क्या करें ऊपर चढ़ गए, बाद में वो डिस्पॉन हो गई अपने आप, मुझे उसका कुछ भी नहीं पता उसका क्या हुआ। तो अब हुआ कुछ ऐसा कि अब हम वहाँ से हमारा माइनक्राफ्ट की सीरीज स्टार्ट हो गई और ये हमने घर बना लिया, बेड भी बना लिया, कैसे कैसे करके स्पाइडर्स को मार मार के वुल बनाए, वुल से बेड बनाया, ऐसे बहुत स्ट्रगल किया मैंने इस माइनक्राफ्ट की दुनिया में। तो उसके लिए एक लाइक तो कर दो, इतना स्ट्रगल करने के बाद ये वीडियो आया। ओके तो विलेज यहाँ आसपास ही होना चाहिए वैसे, मुझे दिख नहीं रहा यही कहीं था विलेज, एक मिनट रुको, हाँ वो दिख गया, आपको भी वो विलेज दिख गया होगा मेरे ख्याल से, वो देखो। तो अब चलते हैं, अब मैंने क्या सोचा, यहाँ पे हम लोग एक घर बनाते हैं, वहां से जो हम लोग कोबलस्टोन वगैरह लाए हैं उस घर को हम यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। जगह मुझे लिटरली बिल्कुल भी नहीं पता है, एंड वो जो आप देख रहे हो ना वो वाटरफॉल, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम उसको भी ब्लॉक करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो एकदम एडवांसमेंट और फॉर्म वार्म की आएगी। और देखो एक घर है जो मेरे को बिल्कुल वाहियात लगा जो कि है ये घर, इसमें मतलब अटक रहो बस अटको, अंदर जाओ तो अटको बाहर आओ, ये देखो मतलब इस घर से एक माइनक्राफ्ट प्लेयर को नूब साबित कर दिया जाए। ओके तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सारी एडवांसमेंट पूरी करेंगे एंड घर बनाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लिखता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पहले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।